हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का नमस्कार। हमारा चल में आपका स्वागत है। आज हम फिर से एक टॉपिक लेके आए हैं। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है MMR 1961 MCQ वीडियो पार्ट 10। आप सभी को पता है हमने पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 9 तक हमने कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो है हमने पार्ट 10 को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले जो हमारे चैनल में नए हैं, हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ढेर सारा कमेंट कीजिएगा। ज्यादा समय ना लेते हुए अभी हमने क्या क्या क्वेश्चन को तैयार किए हुए हैं उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि हमारा जो श्रीमान माइंड मास्टर ऐप प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वहाँ से जाके आपको डाउनलोड कर लेना है। वहाँ पे जाके आपको सब जो जो स्ट्रेटेजी आपको चाहिए वो स्ट्रेटेजी आप ले सकते हैं और लेक्चर वीडियो भी उसमें एडेड है। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन से ही पूछ रहा है, इन टू हाउ मेनी टाइप्स इज देयर डॉट डेस्कव इन रेगुलेशन 124 डिवाइडेड। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ये क्वेश्चन से यही पूछ रहा है रेगुलेशन 124 में जब वर्णित किया गया है किसके ऊपर? डस्ट के ऊपर। ठीक है, तो कितने प्रकार के डस्ट के ऊपर रेगुलेशन 124 में वर्णित किया गया है, क्वेश्चन से यही पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, टू टाइप्स के ऊपर ज्यादातर डस्ट के ऊपर में वर्णित किया गया है। ठीक है, तो क्या क्या डस्ट है वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? देखिए, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ डस्ट डिस्क्राइब्ड इन रेगुलेशन 24। जो रेगुलेशन नंबर 124 में वर्णित किया गया था, जो टू टाइप का डस्ट में बारे में वर्णित किया गया है, और टू टाइप डस्ट क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन ए एंड बी होगा। ठीक है, इनेबल डस्ट और रेस्पिरेबल डस्ट, ये जो दो है इसमें रेगुलेशन 124 में इसको वर्णित किया गया है। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन आज हम बना रहे हैं ये है रेगुलेशन 124 से आया हुआ है और एक पार्ट 124 का आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? देखिए, डस्ट स्टेज टूगेदर विद इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो डस्ट होता है, आप सभी को पता है कि डस्ट जो माइंस में उड़ता है रहता है, वो डस्ट ज्यादातर कहाँ पर किसके साथ ज्यादा से वो अच्छा मिल जाता है? ठीक है, जैसे कि आपका भी एक एक साथी होते हैं, आपका भी एक फ्रेंड्स होते हैं जो कि आप उससे अच्छा से तुरंत मिल जाते हैं, आपका मन के बात आप उनको बता सकते हैं। इसी तरह जो डस्ट होता है, ये डस्ट जो है ना, जो नीचे पॉइंट से दिया गया है, इनमें से किसके साथ वो तुरंत वो मिल जाता है, उसके साथ मिल के रहता है? एयर यानी हवा के साथ, पानी के साथ, फूड के साथ, मिशनरी के साथ, यानी सबके साथ। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, वो हवा के साथ तुरंत मिल जाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट इज द साइज ऑफ डस्ट। जो डस्ट होता है, हम लोग जो डस्ट को बात करते हैं, वो डस्ट का साइज क्या होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर यही होगा जो कि ऑप्शन डी होगा, 0.1 माइक्रोमीटर से बड़ा होता है। ये बुक्स में आपको मिल जाएगा, कहाँ पे? रेगुलेशन नंबर 124 में। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन यही पूछ रहा है जो डस्ट होता है, डस्ट का साइज क्या होता है? तो डस्ट का साइज जो होता है ना, 0.1 माइक्रोमीटर से बड़ा होता है। ठीक है, बुक्स में आपको 0.1 माइक्रोमीटर भी दिखेगा, लेकिन उससे बड़ा जो ये सब जब लगा होगा ना, उससे भी बड़ा है, तब इसको ही चूज करना है, क्योंकि इस तरह का आपको क्वेश्चन देगा एग्जाम के टाइम समय पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रू व्हिच रूट डोज डस्ट एंटर द ह्यूमन बॉडी। जो अपन कष्ट खाद्यान्न में जो पर्सन कार्य करते हैं, उनका भीतर जो डस्ट चला जाता है, हम लोग बोलते हैं ना कि डस्ट वहां पे ज्यादा उड़ रहा है, आपको वहां पे नहीं जाना चाहिए। ये जो डस्ट होता है, आदमी के कौन सा रूट देके आदमी का बॉडी के भीतर चला जाता है, शरीर के भीतर चला जाता है, क्वेश्चन से ही पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका ऑप्शन को हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बोल रहा है? नॉट वेयरिंग गगल्स वाइल ऑन द ड्यूटी इन द टाइम। ये बोल रहा है जब आप लोग गगल्स
नहीं पहनेंगे तब क्या, ड्यूटी के समय पे तब क्या हो सकता है, अंग के भीतर देकर डस्ट चला जा सकता है शरीर के भीतर, ये बोल रहा है पहला। सेकंड बोल रहा है नॉट वेयरिंग ईयर प्लग्स व्हाइल ऑन ड्यूटी इन द माइंस, माइंस में ड्यूटी करने के समय पे अगर आपने ईयर प्लग नहीं पहनते हैं तब उस समय भी कान के भीतर देके शरीर में जा सकता है डस्ट। तीसरा बोल रहा है नॉट वेयरिंग नोज मास्क व्हाइल ऑन द ड्यूटी इन द माइंस, अगर ड्यूटी के समय पे आपने अगर नोज मास्क आप नहीं पहनते हैं तब वो आपके भीतर में नज के मतलब नाक के द्वार में जाके वो अंदर चला जाएगा, यानी शरीर जो कि बॉडी होता है ह्यूमन बॉडी जो होता है उनके भीतर जा सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन बोल रहा है फूड कैन बी ईट टेकन और ओरली ड्यूरिंग मील टाइम, ये बोल रहा है कि जब आप खाना खाते हैं ठीक है, खाना खाने के समय पे मुंह के भीतर यानी आपका जो माउथ होता है माउथ के भीतर देखे भी जा सकता है। नेक्स्ट बोल रहा है इंजरी एनी इन द बॉडी, अगर माइंस में कार्य करने के समय में कोई व्यक्ति इंजरी हो जाता है तो उस इंजरी जगह में डस्ट जाके भी शरीर में जा सकता है, तो इस टाइप का आपको आंसर देगा ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, जो बुक में वर्णित किया गया है वो आंसर ऑप्शन सी एंड डी है। क्या है इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर सिंपल सा है, जो डस्ट जाता है आदमी का शरीर के भीतर किसके माध्यम से जाएगा, किस रूट से जाएगा, नाक में जाएगा और माउथ में जाएगा ठीक है, लेकिन इसको जो है ना इस तरह का घुमा के आपको पूछेगा ठीक है, इस तरह घुमा के आपको पूछेगा, तो आपको समझ लाना है कि ये जो दो पॉइंट आपका बुक्स में वर्णित किया गया है कहाँ पे, रेगुलेशन नंबर 124 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन को जैसे कि सब वीडियो में आपके लिए क्वेश्चन छोड़ता हूँ, वो क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और आप लोग भी कमेंट्स करते हैं। तो ये क्वेश्चंस क्या है देखिए, दो डस्ट दैट एंटर्स ए पर्सन बॉडी व्हाइल ऑन ड्यूटी इन ए माइन वेयर डूज दैट डस्ट टिल, ये क्या बोल रहा है, जो पर्सन कार्य कर रहे हैं माइंस में, जितने भी पर्सन माइंस में कार्य करते हैं, कार्य करने के समय में जो आदमी के शरीर के भीतर डस्ट चला जाता है वो जाके कहाँ पे रहता है, कहाँ पे वो डस्ट रहता है, आपको जो डस्ट जाता है कहाँ से जाता है, नोज से देके जाता है और कहाँ जाता है, माउथ से देके जाता है, तो ये डस्ट जाके कहाँ पे रुकता है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एक कहाँ पर मिलेगा इसका आंसर, वही रेगुलेशन नंबर 124 में ही आपको मिलेगा, वहीं से पढ़ के आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इसका आंसर जो है आगे में आपको मिल जाएगा, फिर भी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है ताकि मुझे पता चले आपने हमारा वीडियो को कैच कर रहे हैं ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे देखिए, व्हाट हैपेंस व्हेन डस्ट एंटर ए पर्सन बॉडी व्हाइल ऑन ड्यूटी इन ए माइन, जब कोई बंदा कोई पर्सन क्या होता है माइंस में ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी करने के समय में क्या होता है डस्ट चला जाता है ठीक है, डस्ट जब चला जाता है कहाँ पे उनका शरीर में जाने के बाद और कहाँ पर रुकता है ये कमेंट उसमें बताना है ठीक है, और जहां पर भी रुकता है तब उसके बाद आदमी को क्या होता है, जो डस्ट जाता है कहाँ पे जाता है, नोज से जाता है माउथ से जाता है, ये जाके जहां पर रहता है ना उसके बाद उस पर्सन को क्या होता है, क्वेश्चन से ही पूछ रहा है। तो ऑप्शन क्या दिया गया है, ऑप्शन ए बोल रहा है देयर इज ए कॉफ यानी खांसी होगा, उस व्यक्ति को ज्यादा खांसी होगा तो सिक पर्सन सफर, और क्या होगा उस पर्सन जो बीमार में पीड़ित होंगे ठीक है। नेक्स्ट बोले नथिंग हैपेंस कुछ नहीं होगा, सिर घूमेगा या नॉन ऑफ दिस, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ऑप्शन ए एंड बी होगा ठीक है, उस व्यक्ति को क्या होगा ज्यादा डस्ट जब एक पर्सन आदमी के भीतर चला जाएगा तो उसको क्या होगा कफ होगा यानी खांसी होगा, ज्यादा से ज्यादा खांसी होगा और क्या होगा वो बीमार में किसी भी बीमार में पीड़ित पीड़ित हो जाएगा, चाहे जिस जैसे कि मैंगनीज माइंस में कार्य कर रहा था मैंगनीज पॉइजन होगा होगा ठीक है, इसी तरह जो माइंस में कार्य कर रहे हैं उस माइंस का वो बीमार में पड़ सकता है, लेकिन क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चंस इसलिए हम उसको सस्पेंस में रख रहे हैं कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस,
व्हाट इज द साइज ऑफ रेस्पिरेबल डस्ट, जो रेस्पिरेबल डस्ट होता है उसका साइज क्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शन वन क्या बोल रहे, ए क्या बोल रहा है, ऑप्शन ए बोल रहा है 0.1 माइक्रोमीटर, ऑप्शन बी बोल रहा है 0.1 to 10 माइक्रोमीटर, ऑप्शन सी बोल रहा है 0.1 to 10 माइक्रोमीटर इज स्मॉल स्मॉलर देन बोल रहा है, ऑप्शन डी बोल रहा है 2 माइक्रोमीटर बोल रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, जो रेसिडुअल डस्ट का साइज होता है 0.1 to 10 माइक्रोमीटर से छोटा होता है। ठीक है, ये होगा ऑप्शन सी, जो कि रेगुलेशन और 124 में वर्णित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ रेस्पिरेबल डस्ट इन ए मैंगनीज माइन शुड नॉट एक्सेड, जो मैंगनीज माइंस होता है, ठीक है, जहां पर मैंगनीज खदन होता है वहां पर जो रेस्पिरेबल डस्ट होता है उसका जो लिमिट होता है, ठीक है, कितने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कितने मिलीग्राम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कितने 8 घंटा में वन शिफ्ट में। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से समझिए, जब मैंगनीज माइंस में कार्य की जाती है तब वहां पर जो रेस्पिरेबल डस्ट का जो मात्रा होती है वो कितने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन यही पूछ रहा है। इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, 5 mg/m³ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कहां पर, मैंगनीज माइंस का क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ रेस्पिरेबल डस्ट इन ए प्लेस वेयर एस्बेस्टस फाइबर आर प्रेजेंट शुड नॉट एक्सिस्ट, जहां पर क्या होता है, जहां पर एस्बेस्टस फाइबर होता है वहां पर उनका जो रेस्पिरेबल डस्ट होता है उसका अमाउंट कितने, इसका मात्रा जो होता है कितने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फिर से समझिए, क्वेश्चन से यही बोल रहा है, जो एस्बेस्टस फाइबर होता है वहां पर जो कार्य की जाती है वहां पे जो रेस्पिरेबल डस्ट का मात्रा होती है कितने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, 2 माइक्रोमीटर से ज्यादा नहीं होगा। हाँ, नहीं, क्लास में, एक क्लास में हूँ, क्लास खत्म हो जाएगा और 5 मिनट्स के बाद कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, ठीक है ठीक है, अभी क्लास चल रही है, क्लास चल रही है। ओके ओके, ठीक है ठीक, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, एस्बेस्टस फाइबर इज ए टाइप ऑफ, जो एस्बेस्टस होता है वो, जो एस्बेस्टस फाइबर होता है वो क्या होता है, क्वेश्चन से ही पूछ रहा है। एस्बेस्टस फाइबर ए होता है, ए एक प्रकार का सिलिका होता है, ठीक है, ये एक प्रकार का सिलिका होता है, एस्बेस्टस फाइबर जो है वो एक प्रकार का सिलिका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए, द लेंथ ऑफ एस्बेस्टस फाइबर इज मोर देन हाउ मेनी मीटर्स, जो एस्बेस्टस फाइबर होता है, जो एस्बेस्टस फाइबर होता है उसका लेंथ कितना मीटर है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जो है 5 माइक्रोमीटर से अधिक होता है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन से छोटा छोटा क्वेश्चन ना आ सकते हो, उस टाइम आपको कोई कंफ्यूज नहीं होगा। द लेंथ ऑफ एस्बेस्टस फाइबर इज मोर देन हाउ मेनी मीटर, जो एस्बेस्टस फाइबर होता है उसका लेंथ कितने मीटर से, कितने मीटर होता है, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है, आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, जो कि 5 माइक्रोमीटर से ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमीटर ऑफ एस्बेस्टस फाइबर इज लेस देन हाउ मेनी मीटर्स, जो एस्बेस्टस फाइबर होता है उसका जो डाया होता है कितने मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, जो डाया होता है, ठीक है, जो एस्बेस्टस फाइबर होता है जो उसका डाया होनी चाहिए, ठीक है, जो डाया होता है उस डाया कितने मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, 3 माइक्रोमीटर से कम नहीं होनी चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ लेंथ टू डाया ऑफ आर्बिट्रेशन फाइबर्स, जो आर्बिट्रेशन फाइबर होता है उसका लेंथ से डाया का जो रेशियो होता है वो कितना होता है, क्वेश्चन यही पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, जो कि रेगुलेशन 124 में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए, वेयर द डस्ट परमिशन लिमिट इज 50%, देन डस्ट विल बी मेजर वंस इन हाउ मेनी मंथ्स। ये क्वेश्चन पूछ रहा है क्या होता है, सभी माइंस में डस्ट का सर्वे की जाती है। ठीक है, क्या होता है, डस्ट का सर्वे की जाती है, सर्वे करने के बाद क्या पता चलता है कि हमारा माइंस में, इस माइंस में 50% उसका लिमिट आया है, उसका परमिशन लिमिट जो है 50% आया है। तो 50% जब आता है तब मंथ में कितने, कब उसको चेक करनी चाहिए, कितने मंथ में एक बार उसको चेक की जाएगी, क्या चेक की जाएगी, जो डस्ट का परमिशन लिमिट जो होता है वो जहां पर 50% रहेगा तो वहां पर कितने मंथ में एक बार उसको चेक की जाएगी। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है जो मेजरमेंट करने के लिए, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, 3 मंथ में एक बार आपको चेक करना होगा। ठीक है, तो इसका पूरा डिटेल्स, उसका जो पॉइंट्स है, इस पॉइंट को मैं आपको इसका नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद आपको पूरा डिटेल्स में डिस्कस कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर द डस्ट परमिशन लिमिट इज 75%, देन द डस्ट विल बी मेजर्ड वन इन हाउ मेनी मंथ्स। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है, जहां पर 75% अलाउड परमिशन लिमिट होता है वहां पर जो डस्ट की मेजरमेंट की जाएगी कितने मंथ में एक बार वो की जाएगी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी एवरी प्रत्येक मंथ में, 1 मंथ में एक बार उसको चेक की जाएगी। उसका सारे डिटेल्स क्या कहता है, उसका जो पॉइंट्स था, जो कि रेगुलेशन 124 में यही लिखा है, यही वर्णित किया गया है, क्या वर्णित किया गया है, जो कि किसी भी माइंस में क्या होता है, डस्ट का मेजरमेंट की जाती है। ठीक है, डस्ट की जो मेजरमेंट की जाती है, मेजरमेंट करने के बाद पता चलता है उसका जो अलाउल परमिशन लिमिट जो होता है 50% और 75% होता है, जहां पर 55% अलाउल लिमिट होता है उस केस में 3 मंथ में एक बार डस्ट को मेजरमेंट की जाएगी, और जहां पर 75% अलाउल परमिशन लिमिट होता है वहां पर प्रत्येक 1 मंथ में एक बार उसको डस्ट की सर्वे इन मेजरमेंट की जाएगी। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, आज का टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट वीडियो फिर आएगा, और आपको हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, ये टॉपिक आपका अगर अच्छा लगा है तो आप हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपका मन में कोई भी अगर कन्फ्यूजन चल रहा है इस क्वेश्चन में, अगर आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है, कुछ अगर डाउट है तो आप हमें क्लियरली पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।